भाइयों देखिए ये 38 गन्ना खड़ा है सारा दोनों तरफ। ये टंच विधि का है, ये भाइयों शादी विधि का है, वही 28-30 इंच बोया हुआ। आपको कौन सा अच्छा लगा? ये 60 इंच पे है, बंधिए भी रहा, बंधिए भी रहा। हाइट का भी अंतर देख ले आप, किस में ज्यादा है फर्क। ये भाई 38 का पौधा है फागण का, जीरो परसेंट मेहनत हुई इसमें। इसमें हमने सब्जी बो दी थी। ये 48 इंच पे इसका खोड़ा है, बस चौड़ाई की देन है जो गन्ना मोटा फल फूल गया। कुछ किसान जो है 24-30 इंच पे बोते हैं गन्ना, वो एक बीज ज़्यादा लगता है, दूसरा गन्ना हवा नहीं लगती, फूलता नहीं गन्ना ज़्यादा। गन्ने को हवा भी लगनी चाहिए, फूलना भी चाहिए। कुछ किसानों ने बताया है इनके जो पत्ते हैं आपस में घर्षण नहीं करने चाहिए, इनमें लड़ाई होती है, फिर ये लड़ने में रहते हैं। जिस तरह एक झुंड में कुत्ते नहीं रह सकते, अब तो झुंड में आदमी भी नहीं रहते। ये सारा 38 खड़ा है, आज सुबह बबलू ने भराया तसला भी दिखा। भाइयों इसे हम चलाएंगे, ख़त्म नहीं करने का तसला भी दिखू, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज होने के बाद ही ये हो सकती है बढ़िया। ये पानी चला रखा है ट्यूबवेल का, ये नीचे भी जाके यह निकल रहा है नाली में आके। ये शायद बबलू ने सामने पेड्डी में किया है, सामने जो पेड्डी है उसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। दस लगी थी ये हो रहा नाका, ये देखो कोई आएगा पानी फेर देगा, पानी दिया बबलू। भाई ये ट्यूबवेल तो ऐसे भी हैं जो हमारे से दुगना पानी देते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं है। उनके समर्सबल जल्दी फूटते हैं, मैंने देखा है। हमारे गांव में पंडित जी ने लगवाया था, वो लोकल समर्सबल था, 8-10 बार फूका लगातार लावे बांधे थे, अगले दिन फिर फूक जाता, पानी घना फेंक रहा था वो। लास्ट में आकर उसका एम्पेलर कटवाया पंखे का, जब वो ताल पाया अब उसका पानी हमारे बराबर हो गया, अब नहीं फूकता वो कई साल से। तो भाई ये पानी जाए जो होना चाहिए, पाइप भर का आ जाए वही ठीक है। वो जो शुद्ध धार मारा है ना 2 मीटर लंबी, वो गलत होती है। पानी तो आ रहा 5 इंची, लेकिन वो 4 इंच में निकलना प्रेशर से, उस पर 22-24 एम्पियर लेता है मोटर, वो गलत है। हमारा 8 एम्पियर लेता है, 8 एम्पियर वाला कभी नहीं लोड मानता। 2 बार केबल तो इसका ख़राब हो लिया, आपका हमने नया केबल गिरवा दिया भाइयों इसमें। भाइयों हमारा खेत भर गया है, अब मैं बबलू को फ़ोन करूँगा, वहाँ का पानी फेर देगा इसका।
पहले अपनी वीडियो बना लूँ, उसके बाद में बताऊँगा। भाई यू 48 इंच पे देखो तकड़ा खड़ा करना, 38 है ये। वो है पेट्रो भी दिखा, इसमें दोहरे में 6 खूट तो वो रखे, एक दोहरे से हमने फिर दो एक खूट छोड़ते रहे, दो बोते चले गए, दो एक छोड़ते रहे, दो बोते चले गए। इसमें भी गन्ना फूलता है, पैदावार बड़ी है हमारी इसकी विधि से भी। हमने पर पुराने ट्यूबवेल वाले खेत में बोया था, अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जो हमने पत्ते की जुताई की है। भाइयों ये हमने पत्ती जोती है रोटावेटर से, ये देख लीजिए आप। जो 1.5-2 बीघे खाली गए ये जोत दिया। अब जहाँ लो अब छोल पर चली ना उरे पे फाट जुता है वाला आधा खेत हो जाएगा। भाई जी ये खाली हो गया, कल ट्रोली गई थी मील पे सुबह डाल गए अपनी, इसे और जोत देंगे 1-2 दिन में। तो करीबन ये जो पेडी खड़ी ना इसका आधा, ये कोई 5.5-6 बीघे नंबर है हमारा, आधे में गेहूँ बो देंगे एक बार में, आधे फिर बाद में बोए जाएंगे। कुछ तो लोग पत्ती ठा लेते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है। अब इसमें ये देखिए ये सारी रोटावेटर हमें जोतनी है, छत है कल को ले आए। घर की मुर्गी दाल बराबर का होता है ना, वो बिल्कुल सही है। अपने खेत का क्या हिसाब लगाना, इसमें 3-4 बार घुमाया पुनीत ने रोटावेटर, जहाँ को पत्ती दिखाई दी उनको फिर दोबारा फाट ला दिया, काट में जुताई करी तो भाई ये देखिए भक्षण कर दिया सारा। ये 5-7 दिन में गर्मी में आकर सारी गल जाएगी, फिर ये भी जुतेगा, फिर इसके बाद में 2 बार लंबे डब नए डब जुताई करेंगे, फिर ही दोहरे दोहरे ठीक करके बोऊंगे। भी कम से कम 15 दिन लगा देंगे बोने बोने ढाल। हमारे यहाँ 25 दिसंबर का गेहूँ बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छी पैदावार देता है, 4-5 क्विंटल निकल जाता है, ये काफ़ी है। तो भाइयों हमने पत्ती नहीं जड़ाई, पत्ती का हमने वो परला खेत देख लो आप, जो पिड्डी खड़ी है उसमें रिजल्ट है, वो हमने पलाव से पलटवाई दी, उसमें बहुत तगड़ा गन्ना हुआ। भाइयों इतना खाद कहाँ से लाऊं, गोबर का बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों मेरा तो कहना ये है, अगर आपके पास अपना ट्रैक्टर रोटावेटर है तो आप पत्ती जोतिए, फायदे में रहोगे। इसमें किसी की बड़ाई नहीं है कि हमें जलानी जरूरी है, बल्कि मल्चर पर लोड पड़ता है ट्रैक्टर पर, पत्ती को खालिस पत्ती काटता है, रोटावेटर जो है इसके सामने जो होता है उसे काट के धरती में समा देता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करना। भाई जो मेरा चैनल सोमवीर सिंह पूनिया किसान की सोच है जरूर देखना, एक हमारे पोते का है अंश पूनिया भी, लोग वो जरूर देखना। नमस्कार।